जवाहरनगर इलाके में एक बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गई थी। अभी तक कारणों का पता नहीं चला है कि कैसे ध्वस्त हुई, और वहाँ पर जो पूरा मलबा है उसको हटाया जा रहा है जेसीबी द्वारा। क्रेन और जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, और इसी दौरान हमारे साथ सिविल डिफेंस टीम के इंचार्ज है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा मामला, कैसे क्या बिल्डिंग गई। सर पहले तो बताइए घटना को कितना टाइम होगा, कितने बजे के करीब ये घटना हुई? ये घटना करीब 8 बजे की है, और जैसे ही हमारे पास फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि भाई कोई बिल्डिंग गिरी है और उसमें 6 आदमी दबे होने की सूचना है, तुरंत ही हम घटनास्थल पर पहुंचे और हमने आके देखा तो बागे में बड़ा हादसा है। और हमने आसपास के लोगों से एक बात भी की है कि इसमें कोई फंसा है क्या, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई बिल्डिंग बहुत धीरे धीरे गिरी है, इसलिए यहाँ से सभी लोग निकल लिए। एक आदमी फंसा था, उसको भी निकाल लिया है। अच्छा, अभी मतलब यहाँ पर अंदर कोई भी इंसान है वो नहीं है? अभी अपन कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कोई नुकसान हुआ है क्या, कोई कैजुअल्टी हो सकती है, जब तक अपन सर्च अभियान पूरा नहीं कर लेते तब तक अपन बता नहीं सकते। अभी तक क्लियरली नहीं बता सकते कि अंदर कोई है या नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है बिल्डिंग ध्वस्त होने का? बिल्डिंग गिरने का कारण ये है कि इसमें एक नींव नहीं थी और इसी नॉर्मल तरीके से खड़ी हुई बिल्डिंग है। और इसका पहले से ही इसके बारे में काफ़ी शिकायतें भी थी कि भाई बिल्डिंग गिर सकती है, और इसको नगर निगम को भी इन्होंने लिख करके दिया है, कॉलोनी वालों ने काफी बार दिया है। मतलब यानी कि निर्माणाधीन थी बिल्डिंग बताया जा रहा है? काफी, हाँ निर्माणाधीन भी थी और पहले से ही चल रही थी दुकानें इसमें। नीचे एक जूस सेंटर था सुनने में आया। जूस सेंटर भी था और अलग अलग तरह की दुकानें भी थी। जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी तो वो काफी लोग थे यहाँ पे, तो बाहर निकल गए। जब तक अपन मलबे को पूरी तरह से हटा नहीं लेते तब तक कह नहीं सकते कि भाई कोई कैजुअल्टी हुई है क्या। अपन जब तक इसको पूरा सर्च अभियान चलाएंगे, जब एक बार क्लियर करेंगे देखेंगे कि कुछ है क्या इसमें, अगर होगा तो आपको पता लग जाए। पूरी NDRF और SDRF दोनों यहाँ पर लगी हुई है? बिल्कुल, सिविल डिफेंस और SDRF, फायर, नगर निगम की टीम में भी यहाँ पर लगी हुई है। बिल्कुल, तो बातचीत में इन्होंने जैसे बताया कि जब तक यहाँ से मलबा है वो हट नहीं जाए तब तक इस बात का मतलब पूरा स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या नुकसान हुआ है, अंदर कोई मौजूद था या नहीं। लगातार जो मलबे को हटाने की पूरी जो सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर पूरा चलाया जा रहा है, और मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी ट्रॉली लगी हुई है, JCB लगी हुई है, वो लगातार जो कुछ ऐसे जो ऐसा मलबा है भारी है तो उसको आरी से काटा जा रहा है। और वहीं जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अंदर जो लोग थे, बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने का अंदाज़ा हो गया था तो लोग वो जल्दी से बाहर आ गए थे। एक जूस सेंटर के नीचे होने की बात है, और हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग हो, लेकिन कोई भी अनहोनी ना हो उससे पहले इसलिए है कि सावधानी पूरी यहाँ पर बरत दी गई है। और पूरा जो एरिया है यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस का जाब्ता पूरा यहाँ पर तैनात है, और आमजन को यहाँ पर बिल्कुल भी इधर की साइड नहीं आने दिया जा रहा है। ये जवाहरनगर की एक शॉपिंग सेंटर के बीच में ही जो हुआ है, फिलहाल जो जिनकी बिल्डिंग है ये, वो जो लोग हैं वो अभी यहाँ से, उन बिल्डिंग के मालिक जो है वो यहाँ से अभी फरार हैं, क्योंकि फिलहाल पूरी जो टीम है पुलिस की इस पर जुटी हुई है कि कैसे न कैसे मलबे को जल्दी से यहाँ से हटाया जा सके, और कोई भी ऐसी अनहोनी होने की जो कुछ भी ऐसी घटना जो है वो ना घटे, इसलिए पहले मलबे को यहाँ से जो है वो हटाया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी की जो कार्रवाई है कि किसकी बिल्डिंग है किसकी नहीं है, कौन बिल्डिंग का मालिक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में देखी जाएंगी। फिलहाल यहाँ से जल्दी से मलबा जो है वो हटाने की पूरी कोशिश है वो की जा रही है। सहयोगी राजेंद्र के साथ में ममता, धन्यवाद।